चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। दो मिनट खास बात सीधा लाए हैं पावन शिखर समय शिखर जी से आपके पास। कहते हैं ऐसा अनादि निरंतर तीर्थ है जिसके तो बार बार दर्शन होते रहे और एक बार भाव सहित वंदना करने से उसकी नरक तिर्यंच गति नहीं होती है। और उसी से आज हम बात करने हैं आपसे, क्योंकि फागुन शुक्ल सप्तमी आ रही है। 20 मार्च की वह पावन दिन है जिस दिन हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु स्वामी मोक्ष गए थे। पौष कृष्ण एकादशी को एक साथ दो तीर्थंकर जन्मे हैं, केवल ऐसा ही है, एक ही मौका है जब 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु और 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का जन्म हुआ एक ही दिन। एक बिल्कुल दूध से दिले 14वीं के चांद की तरह खिले हुए श्वेत रंग के और दूसरे हरित रंग के क्षमाधारी हर को क्षमा का पाठ पढ़ाने वाले दोनों के मोक्ष स्थली यही शाश्वत निधन तीर्थ है समय शिखर जी। पर एक बिल्कुल पूर्व से गए और एक बिल्कुल पश्चिम से गए, यानी यही दो के बीच में पूरे शिखर जी की हमारी 20 टोके आ जाती है। जब मुनि सूरत टोंक से चलते हैं तो 1 किलोमीटर बाद यह ललितकूट आती है, जहां से एक समय के अंदर यहां से लाखों योजन ऊपर चंदा प्रभु स्वामी 45 लाख योजन की सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। उनके साथ 1000 महामुनिराज और मुख जाते हैं। इस ललितकूट की भाव सहित वंदना करने से 96 लाख उपवासों का फल मिलता है। इसी ललितकूट से 984 अरब 72,80,84,595 मुनिराज और मोक्ष गए हैं। जैसे हमारी ललित कूट है ना, और उधर स्वर्णभद्र कूट कितनी चौड़ी सीढ़ियां हैं, अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने ललित कूट की भी सीढ़ियां चौड़ी कर दी हैं, बहुत आरामदेह हो गई है। दर्शन करिए इसकी भाव सहित और फल पाइए 96 लाख उपवासों का। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय।